अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड। व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूँ समोसे, छोटे साइज़ वाले, जिसके लिए मैंने ये मसाला तैयार किया है। दो बड़े साइज़ के आलू उबाल लिए हैं, इसमें एक अदद दरमियाने अदद की साइज़ की जो है प्याज डाली है, और मैक्रोनीस डाले हैं, और नमक मिर्च, और थोड़ा सा चाट मसाला, और एक और नई चीज़ शायद किसी ने ट्राई की है कि नहीं की, आप भी ट्राई करके देखिएगा। इसमें मैंने ये उबले हुए अंडे बारीक बारीक काट के डाले हैं। तो ये व्यूवर्स, इनको अब आप समोसा पट्टी में फिल करते हैं। और ये इस तरह की कुछ कागजी पट्टियाँ, ये मैंने बाज़ार से मंगवाई हैं जी, ये देखिए। व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने जो है इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड की है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो शायद यही सोच रहे होंगे कि शायद मैंने चैनल बंद कर दिया है। बस एक ट्रेजेडी हो गई थी हमारे घर में, मेरी बहन की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कुछ डिस्टर्ब थी और फिर ये अपना काम जारी नहीं रख सकी। तो आज से मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, रमज़ान में, फोर्थ रमज़ान है आज। तो व्यूअर्स, ये समोसे में मैंने कुछ इस तरह फिलिंग की है, और अब इसको इस तरह करके, और ये को दिखाती हूँ ऐसे, बिल्कुल इसी तरह एक एक करके सारी समोसा पट्टियों में मैं फिलिंग कर दूँगी, और लास्ट पर आपको दिखाऊंगी तमाम फाइनल लुक। तो भी बस ये कुछ इस तरह से समोसे जो फिलिंग हो रही है, और भाई मेरे हेल्प कर रहे हैं समोसा पट्टियों को अलग करने में, और ये कुछ इस तरह है। अभी आप कह रहे होंगे कि ये एक ही है, नहीं ये बहुत ज़्यादा है, अभी इनको अलग करने हैं, और इसमें हेल्प कर रहे हैं मेरे भाई। कितनी है भाई ये सारी टोटल? दो दर्जन है। दो दर्जन? ये इसमें ऐसे, और फिर ये ऐसे, थोड़ा सा इसके साथ पानी आ जाए, ये ऐसे हल्का सा पानी के बाद ये तो ये बस, ये हमारे तमाम समोसे रेडी हो गए हैं। इस तरह से आप इनको फिल करके, रेडी करके फ्रीज़ कर दें, और अफ्तारी के टाइम पे आप इनको तल सकते हैं गरम गरम। इनकी तली हुई फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मैंने इनको रेडी कर दिया है और फ्रीज़ करने लगी हूँ। व्यूअर्स, आप भी मेरे बनाए हुए तरीके के तहत समोसे बनाइएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे बने हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।